स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम सौरभ जसवाल है, मैं बनारस से हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बनारस की साड़ी दिखाऊंगा। तो वीडियो की फर्स्ट साड़ी मैं आपको ये वाइट वाली दिखाऊंगा, जो कि ये थोड़ा सा क्रीम टाइप में है। कलर इसका बेसिकली कुछ इस तरीके में है। और आपको ये बात पता होगा कि जब भी मैं साड़ी दिखाऊंगा तो इसकी मैं सिर्फ भर भर के तारीफ करूंगा कि साड़ी बहुत अच्छी है, ये चुभेगा नहीं, ये हल्का है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसके जरिए के कलर नहीं उड़ेगा, बिल्कुल ये सब मैं बोलूँगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एग्जैक्ट सेम साड़ी है, पूरी कंप्लीटेड साड़ी है, लेकिन ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग की साड़ी है। और जितनी भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग की साड़ी होती है उसको पहले हम प्रोटोटाइप के तौर पर निकालते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कि पता चलता है कि जरी उसकी गड़ली है नहीं गड़ली है, जरी का कलर उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है, मेरी जो साड़ी आप इसको पानी में डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो, कैसा क्या सीन आएगा। तो ये हम लोग पूरा टेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ वही सेम साड़ी, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग पूरा नई साड़ी को, बिल्कुल नई साड़ी को पूरा हम काट देते हैं। जैसा कि ये साड़ी है, ये हमारी कटी हुई है, बाकी का पोर्शन ये है और इसमें पल्लू और ब्लाउज इसमें ये है। तो हम काट के इसको यूज़ किए हैं, इसको हम पानी में डाल के देखे हैं कि कहीं जरी का कलर तो ना उड़े, कहीं इसको साड़ी को ऐसे अगर हम क्रशेस करते हैं बहुत, अगर हम दबा देते हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है कि इस पर बहुत ज़्यादा निशान पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है, इस पूरी साड़ी को हम पानी में डाल देते हैं, देखते हैं कि इसके कलर्स उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं। तो इस साड़ी को मैं एकदम बिल्कुल क्रश कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आप देखिएगा कि इस पर आता है कि नहीं आता है क्रशेस, जो निशान होता है। तो इसको खोली यहीं पर हमने किया था, बिल्कुल भी साड़ी पर नहीं आया। और फिर इसको साड़ी को पूरा घींच के देखते हैं कि साड़ी में जान है कि नहीं जान है, मतलब कि कहीं फटेगा तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको पूरा ताकत से ऐसे ऐसे घींच के देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है इस साड़ी पे। तो ऐसे हम पूरा देखते हैं ताकि साड़ी हल्की भी हो, ज़्यादा वेट भी ना हो, पहनने पर कम्फर्टेबल हो और साड़ी में जान भी हो, ताकि इसका जो फैब्रिक है घींचने पर या बाय द वे कुछ हो जाता है तो फटे ना। तो आपके सामने हम करके देख रहे हैं, तो एकदम हर तरीके से करके देखते हैं ताकि ये पता चल जाता है कि साड़ी की क्वालिटी क्या है, किस तरीके की है। इवन हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इतना होने के बावजूद भी ये साड़ी यहाँ से बिल्कुल क्रशस नहीं होंगे। और हल्का सा भी बाय द वे अगर पड़ता है तो आप प्रेस भी मार लेंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके की ये इसका आप देखिए, मैंने जितना एक टॉवल का साइज होता है उतना मैंने साड़ी में से, नया साड़ी था, मैंने उसमें से काट लिया जस्ट एज ए प्रोटोटाइप के तौर पे। बाकी का बचा हुआ पोर्शन ये है, ये तो कोई मतलब का नहीं है, इसको हम प्रोटोटाइप के तौर पे एग्जांपल यूज़ करते हैं। बाकी साड़ी का बचा पल्लू इसमें है, आपको दिखा रहे हैं, ये पल्लू है और ये ब्लाउज है इसमें टेक्सचर वाला, और ब्लाउज में बॉर्डर आता है, फिर पे ब्लाउज का बॉर्डर। तो ये पूरा 1 मीटर की हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, पूरी 1 मीटर की फुल साइज़ की इसकी ब्लाउज होती है, फिर ये आपका पल्लू आ जाता है, फिर इसके बाद साड़ी का स्टार्टिंग हो जाता है। तो फर्स्ट साड़ी ये है, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट साड़ी है, वो भी कंप्लीट है बट उसको मैंने काट कर दिया। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की फर्स्ट साड़ी ये है जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे। इसका अगर आप जरी देखिएगा तो ये मीडियम में है, बहुत ज़्यादा गोल्डन वाला नहीं है। इसमें शिकायत ये आया था कस्टमर लोगों का, वो था कि इसमें जो पीलापन है थोड़ा सा ज़्यादा है येलो इस पंजरी में, तो इसलिए मैंने जरी को चेंज कर दिया। अगर मैं आपको साइड बाई साइड बॉर्डर रख के दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा दोनों में कितना मतलब ये डिफरेंस आ रहा है जरी का। तो हमने जरी का ये मे भी हो सकता है वीडियो में ना समझ में आ रहा हो, इसमें थोड़ा सा पीलापन ज़्यादा है तो ये जरी मैंने बंद कर दिया। अब ये है जिसमें आपको पीलापन नहीं मिलेगा, जो कि गोल्डन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इस साड़ी को यही मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसमें दाग नहीं होता है, बिल्कुल साड़ी बहुत हल्की है, जस्ट 1 kg से भी हल्का है। और इस तरीके का इसका पल्लू आता है, वाइट लुक में बहुत अच्छा है। और इसको ड्रेप करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसा आता है, तो मतलब कि ड्रेपिंग मैंने किया हुआ है कि पहनने के बाद कैसा लुक देगा, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल फ्रेश साड़ी है, छोटी मोटी की टेक्सचर वाली साड़ी है। तो इस तरीके में ये है, और फ्रंट लुक अगर हम आपको दिखाएं तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की ये है, इसमें कहीं भी आपको स्टेन दाग नहीं मिलेगा और बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट की साड़ी है, प्राइस सिर्फ इसके 3500 है। तो इस तरीके की ये फर्स्ट साड़ी है वीडियो की। और वीडियो की वहीं सेकंड साड़ी, अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक पे सिल्वर जरी के साथ ये साड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये आड़े वर्क के साथ इसमें टेक्सचर है, तनछुई है,
इसमें और भी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल मैं आपको ये अभी ब्लैक वाला ही दिखा रहा हूँ। तो इसका पल्लू कुछ इस तरीके में आता है और ब्लाउज आपको इसमें टेक्सचर मिलेगा क्योंकि टेक्सचर की साड़ी है, और पूरी साड़ी आपको ऐसे आड़े वर्क में मिल जाता है, जो कि ये भी प्रीमियम सेगमेंट की साड़ी है। और इसका जो फ्रंट लुक है ये कुछ इस तरीके से आता है। वेट सिर्फ 1 kg है इस साड़ी की। इसके बाद एक साड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ब्राइडल पर्पज से है, बिल्कुल छोटी बूटी की साड़ी है। नैरो बॉर्डर है इसका, आप देख सकते हैं, और छोटी छोटी बूटी की साड़ी है। ब्राइडल पर्पज के लिए आपको रेड कलर में छोटी बूटी की साड़ी अच्छी लगती है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, वेट इसका ज़्यादा नहीं है और जस्ट 1 kg। और इसका पल्लू को जिस तरीके में आएगा, ब्लाउज आपको ब्रोकेट में आ जाएगा और प्रॉपर अच्छे से कटिंग होती है। पूरी साड़ी आपको ऐसे छोटी बूटी टेक्सचर में आएगी। और अगर हम आपको इसका फ्रंट लुक दिखाएं तो ये साड़ी का फ्रंट लुक है। और अगर आपको इसका बॉर्डर देखना है तो बॉर्डर बहुत ही नैरो है कुछ इस तरीके में, ताकि कैरी करने में बहुत ईजी होगा। मैंने वीडियो में अपने बताया होगा, आप मेरी वीडियोज़ को अगर देखते हैं तो, कि मेरी जितनी भी अब साड़ी होगी सब छोटी बूटी में, छोटे बॉर्डर में होगी। आप ये देख सकते हैं, एक पीच कलर की साड़ी है, ऑरेंज नहीं है, लाइट ऑरेंज आप बोल सकते हैं, एक प्रॉपर ऑरेंज होता है वो वाली नहीं है। और इस तरीके का इसका मीना करी में पल्लू आता है। ब्लाउज आपको ब्रोकेट में आएगा और साड़ी का वेट जो है जस्ट 1 kg, बिल्कुल लाइट वेट की साड़ी, बिल्कुल सॉफ्ट है, कैरी करने में बहुत ईजी होगा। ये 1.5 kg वाली साड़ी नहीं है। तो ये सब मेरी जितनी भी साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ सब प्रीमियम सेगमेंट वाली साड़ी है। फिर इसके बाद एक साड़ी हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जो कि नैरो बॉर्डर में है और छोटी बड़ी तनछुई में टेक्सचर की ये साड़ी है। रानी पिंक कलर है, इसमें और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट लाइक ये ऑरेंज इसमें अवेलेबल हो गया। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके का इसका पल्लू है, तनछुई इसका वर्क आता है पल्लू में भी, और ब्लाउज इसका टेक्सचर में आएगा, और छोटी बड़ी की साड़ी है पूरी ऑल ओवर आपको ऐसे में ही आता है। तो कलर वाइज साड़ी बहुत ही अच्छी है। उसमें से अगर आप उसका फ्रंट लुक दिखाएँ तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। फिर इसके बाद एक ब्रॉड बॉर्डर में, जिसको ब्रॉड बॉर्डर पसंद है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नैरो ही रखेंगे, सब तरीके के रखेंगे। तो ये एक मजेंटा कलर की साड़ी है, इसको आप पर्पल भी बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट की साड़ी है, आड़े वर्क में है, और ये भी बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट वाली साड़ी है। और इस तरीके के में इसका पल्लू आता है, ब्लाउज आपको ऐसे ब्रोकेट में आ जाएगा, कटिंग प्रॉपर अच्छे से होती है, बिल्कुल जरी गड़ती नहीं है। और ये मजेंटा कलर, पर्पल कलर में कुछ इस तरीके की ये साड़ी है। इसका फ्रंट लुक दिखाएं तो ये है। तो आई होप ये मेरी छोटी सी बनारसी साड़ी की कलेक्शन आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छी लगी, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पर एसएमएस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो आजकल मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे DM ना किया करें, क्योंकि DM में क्या हो जाता है कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप मुझसे कोई पिक मांगेंगे साड़ी की, कोई फ़ोटो मांगेंगे, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन रहता नहीं कि मैं आपको फॉरवर्ड कर सकूँ। WhatsApp पे अच्छा रखता है कि कोई भी चैट में जाओ, वहाँ से सेलेक्ट करो सारी फ़ोटो, जैसे 50-60 जो भी फ़ोटो है वहाँ पर फॉरवर्ड करो, लेकिन ऐसा सिस्टम इंस्टाग्राम पर नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पर DM ना करें, आप मुझे डायरेक्टली WhatsApp नंबर पे ही SMS करें, जो कि ये बात मैंने अपने इंस्टा के बायो पे भी मेंशन किया हुआ है कि आप मुझे WhatsApp पे ही SMS करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।